नमः मित्रान, मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज देखिए TGT संस्कृत के अंतर्गत सुखनासोपदेश से आज चौथा लेक्चर मैं आपके सामने उपस्थित करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 4 है। मित्रों, ध्यान है आपको ये देना है कि एक एक गद्य खंड को, मतलब जैसे आपका गद्य खंड आता है उसके आधार पर सीरियल बेस पर आप जो है लगातार करते जाएं। ये नहीं कि अगर आगे पीछे हो जाएगा तो मित्रों उसमें तारतम्यता बिगड़ जाती है। देखिए भैया, ऐसा है, नमो नमः प्राणी पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं सरस्वती वंदना शुरू कर रहा हूँ। शिखरणी छंद में है, ये देवी की स्तुति है, इसको आप पहले प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है विषय चालू करेंगे। मुखे ते ताम्बूलम् नयन युगले कज्वल कला ललाटे काश्मीरम् बिलसते गले माते कालेताम स्वरात कांची सांचे प्रेथो काटी ताटे हाट कमाये भजामे स्वाम गौरी नागपति की सोरी मवेरतम मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं नन्दे परमानंद माधवम्। देखिए मित्रों, आज हमारा गद्य खंड है अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्यते काल उपदेशस्य कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलम इव गलति उपदिष्टम अकारणम च भवति दुष्प्रकृतेः अन्नमस्य सुतम वा विनयस्य चंदन प्रभो न दहति किम अनलः किम वा प्रसम हेतुनापि न प्रचंडतरी भवति बलवा नलो वारिडा। अब मित्रों, यहां पर आपको ध्यान ये देना है, अनास्वादित विषय रसस्य, अनास्वादित विषय रसस्य कहा मित्रों, विषय का उपभोग या अनुभव न किए हुए तुम्हारे उपदेश का यही समय उचित है। देखिए मित्रों, आयम एव यह ही, आयम एव यहां पर जब संधि करेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, आयम एव यह ही च और यह ही, आयम एव यहां पर आयम धन एव आपका अचहीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, अचहीन व्यंजन को दूसरे स्वरों से संयोजित कर देते हैं। तो मित्रों, च अनास्वादित न आस्वादित, अभी आपने जो है विषय रसस्य विषय वासना रूपी रस का अभी आपने पान नहीं किया है, विषय वासनाएं अभी आपको स्पर्श नहीं की हुई हैं। जो विषय वासना से युक्त होते हैं उनको उपदेश देना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनके अंतर्गत जड़ता आ जाती है, उनके अंतर्गत मूर्खता समाहित हो जाती है, उनके ज्ञान को मित्रों विषय वासनाओं के द्वारा मलिन कर दिया जाता है, गंदा कर दिया जाता है, धूमिल कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को उपदेश देते समय वो उपदेश का दूसरा अर्थ लगाते हैं, जैसे उपदेशो मृघाणाम प्रकोपाय न शांतये पयः पान भुजंगानां केवलं वेशवर्धनम्। उपदेशो हि मूर्खाणाम, जैसे मूर्खों को उपदेश देना,
प्रकोपायन अशांतय, उनके कोप को शांत नहीं करना है अपितु बढ़ाना ही हुआ करता है। जैसे मित्रों सर्प को अगर दूध पिलाया जाए तो दूध पिलाने से उसके विष को बढ़ाना ही है। दूध हम पिलाएंगे यद्यपि उसके फायदे के लिए पिला रहे हैं लेकिन वह उसके जो है विष को बढ़ाता है। वैसे ही मित्रों कहा जो मूर्ख लोग हैं वो उपदेश के योग्य नहीं हुआ करते हैं। तो हे बेटा चंद्रापीड, अयम एवच अनास्वादित विषय रस, अभी तुमने जो है विषय वासनाओं के रस का आस्वादन नहीं किया है, स्वाद नहीं लिया है। अतः उपदेशस्य ते कालः, अतः तुम्हारे उपदेश का यही काल है, यही समय है, यही उचित मुहूर्त है। बहुत अच्छा समय है कि अभी तुमने विषय वासनाओं के स्वाद को नहीं ग्रहण किया है, नहीं चखा है। उपदिष्टम, फिर कहा मित्रों कुसुम सर, कुसुम सर माने कुसुम माने फूल के सर माने बाण, फूल का सर बाण माने धनुष बाण किसका होता है, पुष्प का बाण और धनुष होता है कामदेव का। तो कुसुम सर का तात्पर्य है कामदेव। सर प्रहार जर जरिते ही हृदय, काम वासना रूपी कामदेव, काम वासना के स्वामी कामदेव के सर माने बाणों के प्रहार माने प्रहार से, जर्जरिते माने छलनी किए गए, हृदय माने हृदय में, जलम इव गलति उपदिष्टम, जलम इव जल की भांति उपदिष्टम गलति, उपदेश चला जाता है। जैसे मित्रों अगर जर्जरित हृदय है, हृदय में छिद्र है, जैसे जो है अगर किसी भी घड़े में छेद है और उसमें अगर पानी डाला जाए तो मित्रों वह पानी क्या हो जाता है, बह जाता है। वैसे ही गलति उपदिष्टम, वैसे ही मित्रों गुरुओं का उपदेश जो होता है वो गलति, गलति माने बह जाया करता है। जैसे घड़े में छेद होने पर पानी बह जाया करता है, वैसे ही मित्रों अगर क्या है कामदेव के बाण से जर्जरित किया गया, छलनी किया गया, छिद्र किया गया अगर हृदय है तो मित्रों उस हृदय में उपदिष्टम गुरु उपदिष्टम गुरुओं का उपदेश जो है जलम इव गलति, जल की भांति निकल जाता है, जल की भांति बह जाता है, जल की भांति नहीं रुकता है। कुसुम सर, कुसुम सर माने कामदेव हो गया, कामदेव के काम वासना रूपी बाणों के प्रहार से जर्जरिते माने छलनी किए गए, बेंधे गए, छिद्र किए गए हृदय, हृदय में सप्तमी विभक्ति एक वचन हृदय में, क्योंकि ही माने क्योंकि, क्योंकि कामदेव के बाणों के प्रहार से छलनी किए गए हृदय में जलम जल इव, उसी प्रकार से गलति माने निकल जाता है, बह जाया करता है उपदिष्टम, जैसे उपदेश उसी प्रकार से बह जाया करता है जैसे जलम, जैसे जल बह जाया करता है। ठीक है मित्रों, अब अकारणम च, और कारण नहीं होता है, भवत माने होता है, दुष्प्रकृति बुरी प्रकृति का अन्वय और वंश का, दुष्प्रकृति अन्वय, अन्वय माने वंश, श्रुतम, श्रुतम माने शास्त्र, शास्त्र अविनयस, अविनम्रता का अथवा वंश का दुष्प्रकृति कारण नहीं होती है। कहने का तात्पर्य मतलब यह है मित्रों कि अगर कोई किसी का अगर वंश खराब हुआ है या किसी का अगर विनम्रता नष्ट हुई है तो उसमें जो है ये दुष्प्रकृति, उसकी बुरी प्रकृति उसका जो है कारण नहीं होती है। हाँ मतलब देख लीजिए, इसका तात्पर्य मित्रों है, कहा गया कि उत्तम वंश अर्थात कुलीनता एवं शास्त्र का ज्ञान विनम्रता का कारण नहीं होती है। दुष्ट व्यक्ति का उत्तम वंश एवं शास्त्र का ज्ञान विनम्रता का कारण नहीं होती है। कि अगर वह बहुत बड़े कुल में पैदा हुआ है या बहुत बड़ा विद्वान है तो वह शुद्ध विनम्र व्यक्ति होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दुष्प्रकृति उसके बुरी प्रकृति का उसका शास्त्र और उसका जो है वंश कारण नहीं हो सकता है।
अर्थात कहने का मतलब यह है मित्रों कि अगर दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है और कितना भी उसका वंश कुलीन क्यों न है, कितना भी शास्त्रों का अगर उसने अध्ययन क्यों न किया हो, लेकिन दुष्ट प्रकृति का अगर व्यक्ति है तो वह जो है उसके कुलीनता का कारण नहीं होगा। चंदन प्रभव न ही दहत किम अनलह, जैसे कहा गया कि मित्रों बताइए किम अनलह, क्या अग्नि, किम अनलह क्या अग्नि न दहत माने नहीं जलाती है, चंदन प्रभव चंदन से उत्पन्न हुई। मित्रों आप बताइए कि क्या जो चंदन के लकड़ियों से जो उत्पन्न हुई अग्नि होगी क्या वह नहीं जलाएगी? ऐसा नहीं है। चंदन यद्यपि शीतल होता है लेकिन उसकी जो अग्नि होगी वह दाहकता से युक्त ही होगी। अर्थात कहने का मतलब है कितना भी उत्तम वंश में व्यक्ति उत्पन्न क्यों ना हो जाए लेकिन अगर उसकी प्रकृति दुष्ट है, दुष्ट स्वभाव का है, तो उत्तम वंश उसका उसके कारण नहीं होता है। अभिनम्रता का उसके अभिनम्रता का कारण क्या है? उसका स्वभाव, उसकी आदत, उसका मित्रों का गलत साथ। इसलिए हे चंद्रापीड, तुम उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो और सभी शास्त्रों को यद्यपि ग्रहण कर चुके हो लेकिन यह अवस्था ऐसी होती है कि सभी प्रकार के विनम्रताओं, सभी प्रकार के कुलों की मर्यादा को छोड़ करके वह उसे गलत मार्ग पर प्रेरित ही कर देती है। इसलिए हे पुत्र चंद्रापीड, तुम्हें उपदेशित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे आप बताएं, क्या अब ये प्रश्न कर रहा है कि क्या आप ही बताएं कि चंदन प्रभव अनलह, चंदन के लकड़ियों से उत्पन्न हुई जो अग्नि रहती है किम न दहती, क्या वह जलाती नहीं है? तो अग्नि का तो स्वभाव ही है जलाना, इसलिए दुष्टों का स्वभाव ही है गलत कार्य करना, तो उसमें आपका वंश और आपकी विनम्रता कारण नहीं होगी, शास्त्र कारण नहीं होगा। अथवा दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है सुखनाथ जी ने, किम वा अथवा क्या प्रसम हेतुना अपि, प्रसम हेतुना शांत करने का कारण होते हुए भी, अग्नि को शांत करने में जो समर्थ होती है, ना प्रचंड तरी भवति बड़वा नलो बारिणा, बड़वानल, बड़वानल माने अग्नि होती है एक प्रकार की, क्या जल में उत्पन्न हुई जो वारिणा, वारिणा माने जल से उत्पन्न हुई जो बड़वानल होती है, समुद्र में जो अग्नि होती है, यद्यपि जल जो है प्रसम हेतुना अग्नि को शांत करने का कारण होता है, लेकिन क्या बड़वानल में समुद्र में लगी हुई आग क्या प्रचंड नहीं होती है, भयंकर नहीं होती है? अर्थात अवश्य भयंकर होती है। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि जैसे जल तो शांत करता है, जल तो शांत करता है अग्नि को, लेकिन वही अग्नि जल से ही उत्पन्न भी होती है, जल से ही अग्नि उत्पन्न होती है और अग्नि को शांत भी जल के द्वारा ही किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कि बड़वा नलह वारिणा, समुद्र के जल से उत्पन्न हुई अग्नि क्या हमें जलाती नहीं है? अर्थात अत्यंत प्रचंड तरी भवती, वह और ही प्रचंड होती है और ही भयंकर हुआ करती है। तो इस प्रकार से मित्रों आयमेव च अनास्वादित विषय रसयस्य ते काल उपदेशस्य, यह तुम्हारे विषय वासनाओं से अनास्वादित किया गया स्वाद को न चखा हुआ काल है, समय है, अतः उपदेश तुम्हारे शरीर में पूर्णतः डाला जा सकता है, उसका प्रभाव स्पष्टतः दिखाई दिया जा सकता है। कामदेव के बाणों से जर्जरित किया हुआ हृदय जैसे छलनी होने पर उस हृदय से जैसे जल किसी घड़े में छेद है, अगर वह घड़े से जल जैसे निकल जाता है वैसे ही वह उपदेश निकल जाता है। तो मित्रों इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि यह निश्चित रूप से जो गुरुओं का उपदेश होता है सभी के लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन मित्रों चंद्रापीड के विषय में बता रहे हैं सुखनाथ जी की, हे चंद्रापीड, हे पुत्र, अगर
तुम्हारा कितना भी उत्तम कुल है, उतना उत्तम वंश है, तुम कितने भी शास्त्रों को पढ़े हुए हो, लेकिन यह ऐसी प्रौढ़ावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, युवावस्था होती है कि व्यक्ति को कहीं भी ले जा करके कुमार्ग के पथ पर जो है उसे अग्रसर करती है। तो ये हुआ मित्रों आपका चौथा गद्यखंड। अब पांचवा गद्यखंड देखता हूँ, अगर बहुत बड़ा होगा पांचवें गद्यखंड को भी अगर आप चाहें तो कुछ देख सकते हैं। कहा गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणाम आर्यवलम प्रक्षालनम क्षमम जलम स्नानम। कहा गुरुओं का उपदेश जो होता है मित्रों, गुरुओं गुरु उपदेशस्य नाम, गुरुओं का उपदेश जो नाम है, यह पुरुषाणाम पुरुषों के अरेवल, अरेवल माने कल्याणकारी, मल प्रक्षालनम क्षमम जलम स्नानम। जैसे जो है मल का प्रक्षालन करना जो है, मल का प्रक्षालन करने में समर्थ बिना जल का किया हुआ स्नान है, अजल क्षमम अजल स्नानम। कहा जो है गंदगियों को दूर करने में समर्थ पुरुषों में, गुरुओं का उपदेश यह जो है पुरुषों में, पुरुषाणाम पुरुषों में अरिवलम प्रक्षालनम, अरिवलमलम, अरिवलमलम माने शत्रु के समान भयंकर, मल माने गंदगी को, प्रक्षालनम माने दूर करने में क्षमम समर्थवान, अजल स्नानम बिना जल का किया हुआ स्नान है। जैसे जल आदि के स्नान के द्वारा तो मित्रों बाहरी गंदगी को दूर किया जाता है, जैसे बाहरी गंदगी को दूर करने में जल समर्थ होता है, वैसे ही गुरुओं का उपदेश जो है पुरुषों के अंतर्गत भरी हुई गंदगी को साफ करने वाला यह जो है बिना जल के किया गया स्नान है। अनुपजात पलिता दिवई हे रोप्यम अजरम वृद्धत्वम। अनुपजात उत्पन्न होता है, पलित दिवई रूपम अजरम वृद्धत्वम, बिना बुढ़ापे के भी वृद्धता प्राप्त कराता है यह गुरुओं का उपदेश। वृद्धावस्था के प्राप्त न होने पर भी अनुपजात पलित दिवई, दिवई माने दिनों के समाप्त न होने पर, अर्थात दिन की समाप्ति कब होती है, जब वृद्धता आ जाती है, तो अब थोड़े ही दिन शेष बचे रहते हैं। तो कहा बिना वृद्धता के प्राप्त हुए भी अजरम वृद्धत्वम, वृद्धता का स्वरूप दिखाता है, अर्थात विद्वता और ज्ञान अगर आपके पास आ जाए तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बुजुर्ग होंगे, वृद्ध होंगे, तभी वह जो है गंभीरता आएगी, अर्थात गुरुओं के उपदेश से यह गंभीरता अपने आप ही आ जाया करती है। अनारोपित मेदो दोष गुरुकर्णम। कहा गुरुकर्णम, कहा कानों में यह अनारोपित मेदो दोष, मेदा चर्बी आदि के दोष से बढ़े हुए कानों में, जैसे कुछ सुनाई नहीं देता है चर्बी आदि दोष के द्वारा कानों के छिद्र को ढक लिया जाता है, तो कहा चर्बी आदि दोषों से दूर गुरुकर्णम, यह गुरुओं का जो है उपदेश कान का आभूषण है। असुवर्ण विरचन अग्राम्यम, असुवर्ण माने बिना सोने का बना हुआ, अग्राम्यम कर्णाभरणम, बिना वजन का यह कानों का आभूषण है। कहा असुवर्ण बिना सोने के, स्वर्ण आदि का गहना पहनने पर जो कानों में सुंदरता आती है, वही सुंदरता गुरुओं के उपदेश से अगर सुंदर उपदेश को सुन लिया जाए तो वह भी व्यक्ति के पास आ जाती है। अतीत ज्योतिर आलोक, और यह अलौकिक ज्योति रूपी प्रकाश को जन्म कर देने वाला है। न उद्वेग कर, यह उद्वेग को, उद्विग्नता को, खिन्नता को बढ़ाने वाला नहीं है। ना उद्वेग कर प्रजागर, प्रजाओं के अंतर्गत यह उद्योग को उत्पन्न करने वाला नहीं है, प्रजाओं के अंतर्गत
उद्वेग को बढ़ाने वाला नहीं, मेदो दोष के गुरुत्व से उत्पन्न करने वाला है, सोने का बना हुआ और ग्राम्यता से रहित कानों का बिना तेज का प्रकाश है और उद्वेग उत्पन्न न करने वाला जागरण है। देखिए मित्रों, कहने का तात्पर्य है, कहा कि ना उद्वेग कर प्रजा कर, बिना उद्वेग का करने वाला यह जागरण है। विशेषण राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए, बिरला ही तेसाम उपदेशचार, बिरले ही लोग ही माने, क्योंकि बिरला है तेसाम उपदेशचार, बिरले ही लोग ऐसे लोगों को उपदेश करने वाले होते हैं। प्रतिशब्दक इव, प्रतिशब्दक, प्रतिशब्दक माने जैसे राजा वगैरह कुछ कहे, जी साहब, जी राजन, तो माने उन्हीं के शब्दों के अनुसार, प्रतिशब्दक प्रतिध्वनि के समान, राजा वचन, राज वचनम अनुगच्छति जनो भयात्। यद्यपि लोग क्या होता है कि जन लोग भयात माने भय से, राज वचनम अनुगच्छति, राजा के वचनों का अनुपालन करते हैं, राजा के वचनों के अनुसार उन्हीं के वचनों में हाँ मिलाए रहते हैं। प्रतिशब्दक एव उद्दाम दर्प स्यथ स्यथ अस्थगित श्रवण विवरा च उपदिश्यमानम अपिते न शृण्वन्ति। कहा उद्दाम दर्प, उद्दाम माने भयंकर, उत्कट, प्रचंड, प्रचंड घमंड से पगलाए हुए राजागण, प्रचंड उद्दाम दर्प उपदिश्यमानम अति, उपदेश किए जाते हुए घमंडी राजा लोग, उपदेश किए जाने पर भी क्या किया गया, उद्दाम दर्प प्रचंड घमंड आदि के द्वारा अश्वत्थ स्थगित, उनके कर्ण छिद्रों को स्थगित कर दिया गया है, ढक दिया गया है। श्रवण विवरश्च उपदिश्यमानम अपि, मानो उनके कान के सूजन के कारण, सूजन आदि के कारण, कहा घमंड आदि से पगलाए हुए सूजन से उत्पन्न जो दोष है, उसके द्वारा उनके कान के छिद्रों को मानो ढक दिया जाता है, और उपदिश्यमानम अपि, उपदेश किए जाते हुए भी वे राजागण गुरुओं के उपदेश किए जाने पर भी ते न शृणवन्ति, वे सुनते नहीं। कहा राजा लोग जो होता है वह गुरुओं का उपदेश कितना भी जो है महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन उनके छिद्रों को मानो गुरुओं के उपदेश के द्वारा प्रचंड उद्दाम दर्प, प्रचंड घमंड आदि के द्वारा ढक दिया गया है। शृण्वन्तः अपि, सुनते हुए भी, गजनिमीलितम इव, गजनिमीलितेन इव धीरयन्तः। कहा गजनिमीलितम, जैसे हाथी जो है ऐसे अपने चाल में, मस्त चाल में चलते हुए, हाथी जैसे किसी की परवाह नहीं करता है, वैसे हाथी की भांति किसी की परवाह न करते हुए अवधीरयन्तः खेदयिष्यन्ति, बड़े कष्ट पूर्वक सुने जाया करते हैं। हित उपदेश दायिनो गुरुन, गुरुओं के हितोपदेश, कल्याणकारी उपदेशों को, गुरुओं के कल्याणकारी उपदेश को बड़े कठिनता पूर्वक सुने जाते हैं। अहंकार दाहत ज्वर मूर्छांधकारिता बिहलवा ही राज प्रकृति, उन राजाओं के स्वभाव को ही माने निश्चित ही अहंकार रूपी दाह के ज्वर से उत्पन्न हुई मूर्छा आदि के द्वारा निश्चित रूप से उन राजाओं के प्रकृति को व्याकुल बना दिया जाता है। उन राजाओं की प्रकृति जो है अहंकार आदि दाह के द्वारा, अहंकार आदि के दाहकता से उत्पन्न हुई ज्वर रूपी मूर्छा के द्वारा उनको क्या कर दिया जाता है, कहा बिहवला ही राज प्रकृति, बिहवल कर दिया जाता है, पागल बना दिया जाता है।
अलीक, अलीक माने झूठा होता है, अलीक अभिमानो उन्मदा उन्माद, झूठे अभिमान के द्वारा उन्माद कारीणी धनानी, कहा अलीक अभिमान उन्माद कारण धनान, धन आदि के कारण उनके अंतर्गत मिथ्या मिथ्या जो है अभिमान उत्पन्न होता है। और राज्य विस्वीकार तंद्री प्रदा राज लक्ष्मी, राज्य रूपी विष के विषय वासना के विकार से उत्पन्न हुई यह राज लक्ष्मी उसे तंद्री आलस्य से युक्त बना दिया करती है। ऐसे राजा लोगों को यह राज लक्ष्मी जो है कैसी बना दिया करती है, तंद्री कृता आलसी हो जाया किया करते हैं, वे आलस्य से युक्त हो जाया किया करते। ते जनाः निश्चित रूपेण, निश्चित रूप से वे लोग क्या कर दिए जाते हैं, तंद्री कृताः, क्या कर दिए जाते हैं, राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा प्रदान करती है राज लक्ष्मी, राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न उनमें तंद्रा आदि आलस्य आदि की, आलस्य आदि को जन्म दिया करती है। तो इस प्रकार से है मित्रों, ये आपकी राज लक्ष्मी राजन, हे चंद्रापीर अर्थात तुम ही ऐसे सुयोग्य पात्र हो जो निश्चित रूप से उपदेश देने के योग्य हो। अभी तुम्हारे अंतर्गत ये सभी विकार नहीं हुए हैं, अतः हे पुत्र चंद्रापीड, क्योंकि राजा लोग जो है थोड़े से धन आदि के कारण, धन आदि के कारण वह अभिमान से युक्त हो जाते हैं और राज्य विष रूपी विकार के तंद्रा से वह जो है आलसी हो जाया करते हैं। तो मित्रों ये रहा है आपका चौथा गद्य खंड, चौथा और पांचवा दोनों गद्य खंड मैंने आपको एक में ही पढ़ा दिया है। आप मित्रों अपने मित्रों को भी शेयर करें और सभी को बताएं कि चंद्रा संस्थान में विशेष रूप से विशिष्ट और बौद्धिक लोगों के द्वारा इस बार विशेष रूप से प्रशिक्षण कराया जा रहा है, ज्ञान दिलाया जा रहा है, TGT का कोर्स चलाया गया है। इसलिए मित्रों अपने मित्रों को भी बताएं, स्वयं भी शेयर करें और स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो तन मन धन से आधी रात के लिए हम लोग तैयार हैं। नमो नमः मित्रान, धन्यवाद।